अरे शर्म करो सारा, अपना नहीं तो अपनी जवान बेटी का ही ख्याल कर लो। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। जी फाजिया साहिबा, आप? मैंने सोचा कि आज जाके तुमसे मिली लूं। प्लीज बैठिए ना। मैं बैठने नहीं आई सारा, बल्कि तुम्हारी नशिस्त से तुम्हें उठाने आई हूँ। फौजिया साहब, मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही, ना ही मेरे पास कोई नशिस्त है। इलेक्शन ना सही, लड़ी तो तुम मुझसे हो ताल्लुक की जंग, जो तुम आज मेरी शादीशुदा जिंदगी की जड़ों में जो बैठी हुई उठा देने आई। मैंने तो हमेशा आपका एहतराम किया और शाहजी के साथ आपके रिश्ते का भी एहतराम किया। बात जब तक मेरे जब्त की थी वो जल भुन के मैंने काट ही ली, मगर अब सैवी के एग्जाम्स के खत्म होने तक उसकी शादी का इरादा रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं आकर तुमसे अपने ससुर का ताल्लुक जान जाएं, मजाक उड़ाएंगी ससुर का कि एक अदाकारा के साथ शौक फरमाते चले आ रहे। बस कीजिए फौजिया, हमारे रिश्ते की शुरुआत में भी आपने आके इसी तरह जलील किया था और आज 18 साल के बाद भी आप वही जलील कर रही हैं। नहीं तो क्या मैं तुम्हें फूलों के हार पहनाती बीबी? सारी जिंदगी शराकत की चक्की में जो पिसा है मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि आप शाहजी के नॉलेज में लाकर यहाँ आई हैं। बस धमका दिया नूर को मजबूती से पकड़े हुए जो हो। मैं भी इंसान हूँ फौजिया साहिबा, कोई जलील करे तो इश्तियाल मुझे भी आता है। अरे शर्म करो सारा, अपना नहीं तो अपनी जवान बेटी का ही ख्याल कर लो। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। प्लीज जा रही हूँ, लेकिन ये बता के जा रही हूँ कि अब की बार अगर नूर मुझसे लड़े तो मेरा दिफा करने के लिए मेरे दो जवान बेटे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ आने की तुम शिकायत नूर से करो। बाप बेटों के दरमियान तख्त कलामी तो होगी, लेकिन तुम्हारा पता साफ हो जाएगा।